कहना चाहूंगा, अगर ये गौरव वीडियो देखे तो रुको जरा, सबर करो। दोस्तों मैं देवा चौहान आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूँ अपने YouTube चैनल ठाकुर चैनल पे। दोस्तों इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं, एक बार फिर से मजबूरी में बात करने वाले हैं गौरव जोन के बारे में। इतनी वीडियोस बनाई मैंने, दो वीडियोस बनाई, इतने बताने की कोशिश की लोगों को कि जो अपना डॉलर नाम का बच्चा है वो टॉय पॉम नहीं कल्चर पॉम है। लेकिन नहीं, लोगों को क्या है कि अंधभक्त बन गए। मतलब इतना पूरा दो वीडियो में या पूरे चैनल पे मैंने बता डाला कि टॉय पॉम कल्चर पॉम इस समय फर्क क्या होता है, लेकिन लोग तब भी नहीं मानना कुछ। सब जो वो बोल रहा है बस वही मानना है। तो उसकी वीडियोज देखो जाके, टट्टी हैं बे, टट्टी हैं। चलो छोड़ो, बुराई इस वीडियो में नहीं करनी, केवल एक टॉपिक पे आते हैं। फिर से बता दूं ये मैं ऐसा क्यों बोलता हूँ। बहुत से लोगों, एक मेरे में कमेंट आया था कि अगर ऐसा है तो ठीक है तो वो डॉग ही, और आपको क्या करना है। वो कोई डॉग बेचते थोड़ी हैं जो अपने डॉग को वो टॉय बॉम्ब बता रहे हैं, कुछ बता रहे हैं। मेन चीज़ उनके बेचने से नहीं है। अब मेन चीज़ है, उस डॉलर इतना फेमस हो गया है, ठीक है, गौरव से ज़्यादा तो उसका कुत्ता फेमस है। तो डॉलर इतना फेमस हो गया है कि आजकल लोग किसी भी ब्रीड को, मतलब जो भी छोटे छोटे साइज़ की बालों वाली ब्रीड को टॉय बॉम्ब बता के बेच रहे हैं। अब जो टॉय पॉम का जो रेट है मार्केट में वो 40, 50, 60, 70 हज़ार, 80 हज़ार, 1 लाख रुपए तक का भी है, 1-1.5 लाख का भी है इम्पोर्ट का बच्चा, ठीक है। तो 1-1.5 लाख, 50 हज़ार से ऊपर ही अच्छी क्वालिटी का, ठीक। अब लोगों के मन में क्या है कि डॉलर टॉय पॉम है। अब लोग क्या है कि इन्वेस्ट करने लगेंगे ये सोच के कि वो टॉय पॉम है, और उसी टाइप की जो सिमिलर ब्रीड्स होंगी लोग उसमें भी इन्वेस्ट करेंगे ये सोच के कि टॉय पॉम है, गौरव के पास में है तो मेरे पास में भी होगा। और गौरव ने तो ऑलरेडी बोल रखा है कि ये महंगा है, लेकिन बात ये है कि जो गौरव के पास में डॉग है उस क्वालिटी का जो डॉग होता है वो मुश्किल से मुश्किल 10,000, 15,000 या मैक्सिमम 20,000 रुपए, इससे ज़्यादा रुपए नहीं लगते एक वैसा क्वालिटी का डॉग पानी में मार्केट में, जो आज कल रेट है कल्चर पॉम का। अगर बहुत हद के खींच के बता रहा हूँ मैं, 15,000 रुपए का मुझसे ले सकते हो, बहुत खींच के मार्केट में 20,000 रुपए प्राइस है, बहुत खींच के। मेरे पास में मैं 10-12,000, 15,000 का मैं खुद बेचता हूँ, मेरे टॉम को देख सकते हो चैनल पे। और बाकी यही है सारा सीन कि सर आप ये समझने की कोशिश कीजिए कि आपकी वजह से लोग उस ब्रीड को, एक पर्टिकुलर डॉग ब्रीड जो कि टॉय पॉम है और कल्चर पॉम है, कल्चर पॉम को टॉय पॉम समझ के महंगा महंगा खरीद रहे हैं। 10,000, 12,000, 15,000 की चीज़ आपके कहने पे लोग 1-1 लाख, 60-60 हज़ार, 50,000, 40,000, 30,000 ऐसे खरीद रहे हैं, जिसकी क्वालिटी और कीमत दोनों 10 से 15,000, 20,000 रुपए है। लेकिन जो फ्रॉड लोग हैं, फ्रॉड ब्रीडर्स हैं, देखिए हर लाइन में कुछ ना कुछ फ्रॉड्स होते हैं, जैसे कि आप हैं क्लिकबेट के एक्सपर्ट, तो उसी टाइप से बहुत सारी हर लाइन में ऐसा कोई ना कोई होता है जो टप्पेबाज होता है। तो इसी तरह ब्रीडर्स वाली जो लाइन में उसमें कुछ लोग इस चीज़ का अच्छा फायदा उठाते हैं आपकी वजह से, क्योंकि आपने मार्केट ऐसा बना दिया है। अब चीज़ें हैं कि वो 20-30 हज़ार वाला 1 लाख का बता देंगे, 1 लाख वाला 2 लाख का बता देंगे, 5,000 वाला 20,000 का बता देंगे। तो रेट आपकी वजह से मार्केट में बढ़ गए हैं, और रेट बढ़ना कोई गलत बात नहीं। क्वालिटी के रेट अगर बढ़े, जो ब्रीडर अपना डॉग शो में उतारे, ये करे वो करे, या कोई पर्टिकुलर ब्रीडिंग कर रहा हो वो अपना बच्चा बेचे, तो एक बार समझ में भी आता है। लेकिन बैकयार्ड ब्रीडर्स जो कि पपी मिलर्स होते हैं, जो सिर्फ बच्चे पैदा करने से मतलब रखते हैं, अगर ऐसे लोग भी अपना बच्चा इतना कॉस्टली बेचेंगे सिर्फ आपकी वजह से, क्योंकि लोग, मैं भी अपने कुछ इंस्टा के स्क्रीन शॉट्स जरूर डालूंगा, देखिएगा, इतने सारे मेरे पास वैसे मैसेज आते हैं कि सर ये बच्चा इतने का मिल रहा है, ये बच्चा इतने का मिल रहा है, ये सोचता हूँ 10-12-15 हज़ार की चीज़ है, सब टॉय बोल देते हैं इसको, और सिर्फ गौरव की वजह से बोल देते हैं, क्योंकि तुम्हारे गौरव के पास, गौरव के नाम से ही सारे मैसेज आते हैं कि सर जो गौरव जो उनके पास में वाला डॉग मुझे मिल रहा है इतने का है, 40,000 का, 30,000, तो उसकी जो कीमत है एक्चुअल वो 20,000 रुपये। मैं बस इतना कहना चाहूँगा, अगर ये गौरव वीडियो देखे तो डॉग को एक बार बता दी कि जो टॉय फॉर्म होता है वो ये नहीं है, ये कल्चर फॉर्म है। टॉय फॉर्म जो होता है वो अलग ब्रीड होती है, और वो इससे ज़्यादा कॉस्टली होती है, ताकि लोग जो फालतू में इन्वेस्ट कर रहे हैं वो इन्वेस्ट करना बंद कर दें। चलिए इसी के साथ वीडियो खत्म करते हैं। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके, चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और बेल आइकन को ज़रूर दबाइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।
Thank you.